पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। देश की जनता को कोरोना की मार के बाद महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज शिमला में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि पिछले 21 दिनों से डीजल व पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें डीजल 11 रुपए और पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज एक और महामारी की मार से लोगों का जीना हराम हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो दूसरी ओर लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोग त्रस्त है। छाजटा ने कहा कि सरकार को इन बढ़े हुए दामों को वापिस लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण महंगाई आसमान छू रही है। देश की जनता को कोरोना की मार के बाद महंगाई का दंश झेलना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज शिमला में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी शिमला के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा कि पिछले 21 दिनों से डीजल व पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें डीजल 11 रुपए और पेट्रोल की कीमतों में 9 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज एक और महामारी की मार से लोगों का जीना हराम हो रहा है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो दूसरी ओर लगातार बढ़ रही महंगाई से आम लोग त्रस्त है। छाजटा ने कहा कि सरकार को इन बढ़े हुए दामों को वापिस लेना चाहिए। ये आज जो हमारा ज्ञापन जो हमने डीसी महोदय को दिया है राष्ट्रपति के लिए, इसमें मेन मुद्दा हमारा जो है जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों की जो वृद्धि हो रही है, ये आपको पता है पिछले 21 दिन से हर रोज़ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसमें कि डीजल तकरीबन 11 रुपये और पेट्रोल जो है वो 9.25 रुपये के करीब जो है पेट्रोल के दामों में वृद्धि हुई है। हमारा कहना ये है कि एक तरफ जहाँ देश में कोरोना महामारी का कहर पड़ा है, जहाँ तकरीबन देश के अंदर रोज़ 20,000 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, देश इस चीज़ से जूझ रहा है, और एक तरफ हम हमारे जितने भी विदेशों के साथ जो है हमारे बॉर्डर जो है वो सब जगह पे तनाव है, हर जगह से कोई ना कोई खबर सुनने को मिल रही है, और मोदी सरकार जो है देश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है महंगाई से, हर एक आदमी जो है आज त्रस्त है। और हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि ऐसे वक्त में इन चीज़ों के रेट ना बढ़े। पहले ही लोगों के बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं, हर एक कारोबार लोगों के बंद है, हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे बिल्कुल बंद पड़ी है, लोग जो है लोगों के लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, और सरकार जो है इस तरह के जन विरोधी फैसले ले रही है। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि इन डीजल और पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, इसे जल्द से जल्द वापस ले, ताकि लोगों को जो है राहत दी जा सके।